हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड चैनल। दोस्तों, आज मैं बता रही हूँ टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक जापान के टोक्यो शहर में 2020 को होना था, बट कोविड-19 के कारण यह 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को हाल ही में संपन्न हुआ है। तो दोस्तों, जानते हैं आगे टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं आज इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, एंड पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि टोक्यो ओलंपिक से एक प्रथम सवाल बन सकता है कि कौन सा ऐसा ओलंपिक था जो कोविड-19 के कारण संपन्न नहीं हो सका। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में संपन्न होकर के 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ हाल ही में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या था। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। अब बात करेंगे शुभंकर की। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर था मिराई तोवा। दोस्तों, मिराई तोवा जो है ये नीले रंग का, जिसे इंडिगो ब्लू भी कहते हैं, ठीक है, नीले रंग का ये शुभंकर है। शुभंकर यानी मस्कर, ठीक है। और मिराई तोवा जो है ये जापानी कहावत से प्रेरित एक शब्द है, यानी एक व्यक्तित्व है, जिसका अर्थ होता है, मिराई का अर्थ होता है भविष्य, एंड तोवा का अर्थ होता है अनंत या शाश्वत। यानी मिराई तोवा का अर्थ हुआ अतीत से सीखो और नए विचारों को विकसित करो। क्या अर्थ हुआ? अतीत से सीखो और नए विचारों को विकसित करो, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि ओलंपिक में शुभंकर की जो शुरुआत हुआ वो 1968 से हुआ, ठीक है। 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक में पहला शुभंकर था आपका पालोमा कबूतर, ठीक है, पालोमा कबूतर आपका पहला शुभंकर था। यानी कि ओलंपिक में शुभंकर की शुरुआत 1968 मेक्सिको सिटी से शुरुआत हुआ, बट आधिकारिक तौर पर शुभंकर की शुरुआत 1972 म्यूनिख पश्चिमी जर्मनी से हुआ, जिसका शुभंकर था वाल्डी एक शिकारी कुत्ता। 1972 म्यूनिख पश्चिमी जर्मनी का शुभंकर क्या था? वाल्डी एक शिकारी कुत्ता। एंड रियो ओलंपिक 2016 का शुभंकर क्या था? विनिशियस, ठीक है, विनिशियस। तो ज्यादातर यही पूछा जाता है कि ओलंपिक में शुभंकर की शुरुआत कब हुआ, तो 1968, जिसका पहला कबूतर था पालोमा, पहला शुभंकर था पालोमा कबूतर। एंड आधिकारिक रूप से शुरुआत हुआ 1972 म्यूनिख पश्चिमी जर्मनी, जिसका शुभंकर था वाल्डी एक शिकारी कुत्ता। एंड 2016 का था विनिशियस, एंड 2020 टोक्यो जापान का मिराई तोवा, ठीक है। शुभंकर के बारे में आप तो डिटेल में जान लिए, ठीक। अब बात करते हैं हम भारत के 119 एथलीटों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया था, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के 119 एथलीटों ने भाग लिया था, ठीक है। अब मैं बात करूंगी फ्लैग बैनर यानी कि ध्वजवाहक की। दोस्तों, फ्लैग बैनर यानी कि ध्वजवाहक में ओपनिंग सेरेमनी यानी कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थी मेरी काम एंड मनप्रीत सिंह। मेरी काम को आप जानते हैं, एक महान बॉक्सिंग है, एंड मनप्रीत सिंह और पुरुष हॉकी टीम के इस समय कप्तान है। एक थे आपके ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक, एंड क्लोजिंग सेरेमनी यानी कि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो बजरंग पुनिया कुश्ती, जो आपके 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक कुश्ती में जीते हैं, ठीक है, बजरंग पुनिया क्लोजिंग सेरेमनी यानी कि समापन समारोह के ध्वजवाहक हैं, ठीक। अब मैं बात करूंगी पदक तालिका में इसमें कौन कौन सा स्थान लाया, ठीक है। तो यूएसए जो है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये प्रथम स्थान पर रहा, यानी हमारा भारत जो है 48वें स्थान पर रहा, ठीक है।
यूएसए जो है 39 गोल्ड, 41 सिल्वर एंड 23 ब्रांज मेडल यानी कि कुल 113 कुल पदक के साथ प्रथम स्थान पर रहा एंड दूसरे स्थान पर चीन एंड तीसरे पर जापान एंड चौथे पर ग्रेट ब्रिटेन रहा एंड 48वें स्थान पर भारत रहा। और इसमें भारत ने एक स्वर्ण, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रांज मेडल, कुल 7 मेडल प्राप्त किए हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने मेडल प्राप्त किए हैं? 7 मेडल। 7 मेडल में कौन कौन सा है? 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रांज। इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एंड टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज्यादा गोल्ड लाने वाले कौन है? कैलेब ड्रेसेल, ठीक है। कौन है? कैलेब ड्रेसेल, ये यूएसए के स्विमर है। इन्होंने 5 गोल्ड प्राप्त किया, यानी कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने वाले ये हैं कैलेब ड्रेसेल, यूएसए के स्विमर है, यानी तैराक है, जो 5 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, ठीक है। एंड 100 मीटर रेस में गोल्ड, 100 मीटर रेस में गोल्ड आपके मार्शल जेकोबस ने प्राप्त किया, ठीक है। मार्शल जेकोबस ने 100 मीटर रेस 9.80 सेकेंड में तय किया, ठीक है। एंड दोस्तों अब मैं बात करती हूँ भारत में पदक, यानी भारत ने 7 पदक जीते जिसमें से 1 गोल्ड, 2 रजत प्लस 4 कांस्य पदक, कुल 7 पदक जीते। उन 7 पदकों में कौन कौन है इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों 1 गोल्ड जो है किसने प्राप्त किया? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो ओलंपिक है उसमें गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा, जो हर तरफ छाए हुए हैं और सभी को बच्चे बच्चे को पता हो गया है कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। किसमें? तो जेवलिन थ्रो में, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल कितना तय किया है? 87.58 मीटर थ्रो किए हैं, ठीक है। तो 87.58 मीटर थ्रो करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और दोस्तों ये गोल्ड जीतने वाले भारत के दूसरे विजेता हैं, यानी कि व्यक्तिगत इंडिविजुअल इवेंट में, यानी व्यक्तिगत इवेंट में जीतने वाले आपके नीरज चोपड़ा जो है वो दूसरे विजेता है। प्रथम विजेता इंडिविजुअल में यानी कि व्यक्तिगत इवेंट में प्रथम विजेता कौन थे आप बताइए, ठीक है। कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे, जो 2008 के गोल्ड 2008 ओलंपिक में 2008 में ओलंपिक कहां हुआ था, ठीक है। तो 2008 के ओलंपिक में इन्होंने, यानी बीजिंग चीन में हुआ था, ठीक है। 2008 के बीजिंग चीन ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में यानी कि निशानेबाजी में इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया। और व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड प्राप्त करने वाले ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा जो है पहले भारतीय बने। एंड दूसरे आपके नीरज चोपड़ा हो गए हैं, जो भाला फेंक में आपका 87.58 मीटर में गोल्ड प्राप्त किए हैं, ठीक है। एंड ये 23 वर्षीय नीरज, कितने वर्ष के हैं? 23 वर्षीय है और इंडियन आर्मी में ये नायब सूबेदार की पोस्ट पर भी है, ठीक है। तो दोस्तों जान लेते हैं कि नीरज चोपड़ा तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड तो वो हासिल किए हैं, इसके माध्यम से पूरे भारत देश के यानी पूरे वर्ल्ड के लोग इनको जान गए हैं, इनकी पहचान बन गया है। बट इनके और इनको दोस्तों गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। अब क्यों गोल्डन बॉय कहा जाता है? तो गोल्डन बॉय इनको इसलिए कहा जाता है कि देखिए इन्होंने हर बार गोल्ड ही गोल्ड हासिल किया है। जैसे कि इन्होंने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2016 में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड हासिल किया था, ठीक है। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2016 में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ इन्होंने गोल्ड हासिल किया था। एंड साउथ एशियन गेम 2016 में गोल्ड प्राप्त किया, यानी 2016 में इन्होंने 2 गोल्ड प्राप्त किए, एक वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में, एक साउथ एशियन गेम में।
एंड 2017 में एशियन चैंपियनशिप 2017 में इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया। फिर आपका लगातार इन्होंने गोल्ड 16 से स्टार्ट किया और अभी तक प्राप्त किए हैं। तो राष्ट्रमंडल 2018 में इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया एंड एशियन गेम 2018 में इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया। राष्ट्रमंडल 2018 कहाँ संपन्न हुआ था दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में, जिसमें इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया। एशियन गेम कहाँ प्राप्त हुआ था? जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता एंड पालमबांग में, ठीक है। तो इन्होंने इसमें गोल्ड प्राप्त किया, ठीक है। अब 2020 टोक्यो में इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया है, इसको सभी लोग जानते हैं, 87.58 मीटर थ्रो किया है इन्होंने, ठीक है। और इनको 2018 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। तो 2000 यानी कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड किसको मिला, यानी एक गोल्ड प्राप्त हुआ है, वो भी कौन प्राप्त किया है? नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में, ठीक है, 87.58 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल आप तो जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ दो रजत पदक कौन कौन जीता है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, मीराबाई चानू भारोत्तोलन में एंड रवि कुमार दहिया कुश्ती में रजत पदक प्राप्त किए हैं। कुश्ती में दो लोगों को रजत पदक मिला है। दोस्तों मीराबाई चानू जो है मणिपुर की वेटलिफ्टर है, ठीक है, और 49 kg भार वर्ग में इन्होंने 21 साल बाद फिर से भारोत्तोलन में इन्होंने रजत पदक दिलाया। दोस्तों इनके पहले भारोत्तोलन में आपको पता होगा कि 21 साल पहले यानी कि 2000 के सिडनी ओलंपिक में कड़म मल्लेश्वरी जो है कांस्य पदक भारोत्तोलन में प्राप्त की थी, और ये क्या है, मीराबाई चानू रजत पदक प्राप्त किए हैं 21 साल बाद, ठीक है। तो कड़म मल्लेश्वरी जो 21 साल पहले सिडनी ओलंपिक 2000 में भारोत्तोलन में कांस्य पदक प्राप्त की थी, वो प्रथम इंडियन वुमेन मेडल प्राप्तकर्ता बनी, यानी कि भारत की प्रथम कोई पदक विजेता, मतलब कोई पदक प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी है, वो भी भारोत्तोलन में, ठीक है, वेटलिफ्टर में, ठीक है। तो आप मीराबाई चानू जो है एक दूसरी बन गई, ठीक है, ये भारत की दूसरी वेटलिफ्टर बन गई, ठीक है। यानी मीराबाई चानू जो है 2016 में भी इन्होंने भाग लिया था, बट कोई स्थान इनका नहीं आया था, और 2020 में इन्होंने रजत पदक के साथ अपना जलवा दिखाया। एंड ये मणिपुर की वेटलिफ्टर है, 49 kg भार वर्ग में इन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक के बाद 21 साल के बाद फिर से अपना भारत का नाम रोशन किया, और टोक्यो ओलंपिक में भारत को सबसे पहला मेडल इन्होंने ही दिलाया। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे भारत की तरफ से सबसे पहला मेडल किसने प्राप्त किया? तो मीराबाई चानू ने प्राप्त किया कौन सा पदक? रजत पदक भारोत्तोलन में, ठीक है, यानी वेट लिफ्टर में, ठीक है दोस्तों। एंड वेट लिफ्टर में गोल्ड किसने प्राप्त किया? तो होई जी हुई यानी चीन के 210 kg वेट उठाकर। एंड मीराबाई चानू ने कितना वेट उठाया था? 202 kg वेट उठाकर रजत पदक प्राप्त किया। एंड जो चीन की हो जियो है वो 210 kg भार उठाकर गोल्ड पदक प्राप्त की थी, ठीक है। एंड अब बात करते हैं, अब मीराबाई चानू ने 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड 2018 में कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड प्राप्त की हैं, ठीक है। इससे पहले वो 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हैं एंड 2018 में कॉमनवेल्थ में इन्होंने गोल्ड जीता है, और इनको 2018 में पद्मश्री एंड ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब बात करती हूँ रजत पदक में कौन कौन थे, मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया। मीराबाई चानू के बारे में बता चुकी, एंड अब बात करती हूँ रवि कुमार दहिया, जो कि आप सब लोग जानते हैं कुश्ती में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है रवि कुमार दहिया ने। एंड ये कुश्ती 57 kg में भार वर्ग में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया, एंड फाइनल में जूर युगो यानी कि रूसी पहलवान से हार गए थे, और उसके बाद इनको रजत पदक मिला। एंड 2012 में 12 ओलंपिक में, हाँ दोस्तों रजत पदक प्राप्त, कुश्ती में रजत पदक प्राप्त करने वाले ये ओलंपिक में दूसरे दूसरे रेसलर हैं, यानी
इसके पहले कौन थे? रजत पदक आपको पता होगा 2012 में रजत पदक किसने प्राप्त किया था? सुशील कुमार ने, ठीक है। सुशील कुमार ने 66 केजी भार वर्ग में आपका 2012 में रजत पदक प्राप्त किया था एंड 2020 में यानी कि टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक कुश्ती में प्राप्त किए रवि कुमार दहिया, यानी कि कुश्ती में रजत पदक प्राप्त करने वाले ये रवि कुमार दहिया जो है दूसरे खिलाड़ी हैं एंड ओलंपिक में पदक जीतने वाले ये पांचवे पहलवान हैं, यानी कि रवि कुमार दहिया के पहले चार ऐसे पहलवान हैं जिन्होंने कोई पदक ओलंपिक में प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। ये पांचवे पहलवान है पदक जीतने वाले ओलंपिक में। तो इनके पहले चार पहलवान कौन है इनके बारे में भी जान लेना आवश्यक है। तो इनके पहले सबसे पहले कुश्ती में, ठीक है, सबसे पहले कुश्ती में केडी जाधव 1952 हेलसिंकी फिनलैंड ओलंपिक में 57 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीते, ठीक है, 57 केजी भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीते। और किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में पहले विजेता केडी जाधव हैं एंड स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले अगर कहा जाएगा कि व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन है तो वो 10 मीटर एयर राइफल में अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग चीन ओलंपिक में है। बट कांस्य पदक जीतने वाले यानी कोई पदक जीतने वाले कोई भी पदक जीतने वाले व्यक्तिगत स्पर्धा में पहले भारतीय कौन है तो केडी जाधव है। इसको ध्यान में रखिएगा, जब स्वर्ण पदक पहले व्यक्तिगत स्पर्धा में प्राप्त करने की बात कहेगा तो अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग चीन में, यानी जब ये कहेगा कि व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है व्यक्तिगत स्पर्धा में तो केडी जाधव कुश्ती में है 1952 हेलसिंकी फिनलैंड 57 केजी वर्ग में। एंड दूसरे हैं आपके सुशील कुमार जो 66 केजी भार वर्ग में है और बीजिंग चीन में इन्होंने कांस्य पदक जीता सुशील कुमार ने एंड 2012 लंदन में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता, ठीक है। एंड एगेश्वर दत्त जो है वो 2012 लंदन में 60 केजी भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता एंड साक्षी मलिक जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 2016 रियो ओलंपिक में 58 केजी भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता एंड रवि कुमार दहिया जो आप समझ रहे हैं जो पढ़ रहे हैं इस समय यानी कि टोक्यो ओलंपिक में 2020 में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया रवि कुमार दहिया ने। तो अभी तक ओलंपिक में कुश्ती में कुल 6 पदक प्राप्त हुए हैं जिसमें से 5वां पदक 2020 टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया एंड रजत पदक एंड 6वां पदक बजरंग पुनिया 65 केजी फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीते हैं। अब बात करती हूँ कांस्य पदक। 4 कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने प्राप्त किया है उसमें कौन कौन है? लवलीना बोरगोहेन आपके बॉक्सिंग में एंड पीवी सिंधु आपके बैडमिंटन में, बजरंग पुनिया कुश्ती में एंड भारतीय हॉकी टीम के 4 कांस्य पदक भारत ने प्राप्त किया है। तो पहले जानते हैं लवलीना बोरगोहेन के बारे में। जैसा कि लवलीना बोरगोहेन के बारे में आप जानते होंगे 2020 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। ये बॉक्सिंग असम की 23 वर्षीय बॉक्सिंग खिलाड़ी है, ठीक है, असम की 23 वर्षीय बॉक्सिंग है। 69 केजी भार वर्ग में 3रा कांस्य पदक इन्होंने प्राप्त किया यानी ओलंपिक में बॉक्सिंग में इनसे पहले 2 पदक प्राप्त कर चुके हैं। कौन कौन? इनसे पहले 2 कांस्य पदक प्राप्त कर चुके हैं बिजेंद्र सिंह जिसे आप सब लोग जानते होंगे 2008 में बीजिंग चीन में इन्होंने कांस्य पदक बिजेंद्र सिंह बॉक्सिंग में जीते थे एंड मेरी कॉम 2012 में कांस्य पदक बॉक्सिंग में जीती थी एंड 2020 टोक्यो ओलंपिक में 3रा कांस्य पदक लवलीना बोरगोहेन ने प्राप्त किया 69 केजी भार वर्ग में। फाइनल में बुसेना सुरमे नेली तुर्की की विश्व चैंपियनशिप से हार गई थी, ठीक है। तो कांस्य पदक में बॉक्सिंग में कौन कांस्य पदक जीता है तो लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। और अब तक
ओलंपिक में बॉक्सिंग ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो 2020 को लेकर टोक्यो ओलंपिक को लेकर 3 कांस्य पदक, यानी कि विजेंद्र सिंह 2008 में कांस्य एंड मेरी काम 2012 में कांस्य जीती एंड 2020 टोक्यो ओलंपिक में लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीती। एंड टोक्यो ओलंपिक 2020 के दूसरी कांस्य पदक विजेता आपकी पीवी सिंधु है, यानी कि बैडमिंटन में कांस्य पदक जीती। जैसा कि आप जानते होंगे कि 2016 रियो ओलंपिक इन्होंने सिल्वर यानी रजत पदक हासिल किया था, यानी कि ओलंपिक में 2 पदक प्राप्त करने वाली ये पहली महिला विजेता बन चुकी है, यानी कि ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली, एक 2016 में सिल्वर पदक जीता था यानी रजत, और 2020 में इन्होंने कांस्य पदक जीता, यानी कि ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला बन चुकी है आपकी पीवी सिंधु। एंड ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले, 2 बार जीतने वाले आपके प्रथम पुरुष हैं सुशील कुमार, 2008 में रजत पदक कांस्य पदक एंड 2012 में लंदन में आपके रजत पदक हासिल किए थे। ठीक है, तो महिलाओं में आपके भारत की प्रथम डबल ओलंपिक यानी 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाली आपकी पीवी सिंधु, और पुरुषों में सुशील कुमार। ठीक है दोस्तों, पीवी सिंधु को 2013 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ एंड 2016 में ध्यानचंद, एंड 2015 में इनको पद्मश्री भी मिला है, एंड 2020 में पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। अब बात करते हैं तीसरे कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया, जो 65 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया, और ए सेमीफाइनल में हाजी अलीव यानी 3 बार के विश्व चैंपियन रह चुके थे उनके साथ इनका मुकाबला हुआ था। एंड राष्ट्रमंडल इनके इससे पहले इन्होंने क्या राष्ट्रमंडल 2018 में गोल्ड प्राप्त किए थे बजरंग पुनिया ने, एंड जस्ट बाद 2020 में टोक्यो ओलंपिक इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। तो 2015 में इनको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ, 2019 में पद्मश्री, और 2019 में ही आपका ध्यानचंद इनको मिला। अब चौथे कांस्य पदक की बात करते हैं, तो भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता 41 साल बाद। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि भारत आधिकारिक तौर पे ओलंपिक में कब भाग लिया, तो 2028 में एमस्टर्डम हॉलैंड में जो प्रथम बार हॉकी खेला गया था, और हॉकी को भारत की तरफ से खेला गया था, जिसमें उसने जयपाल सिंह की कप्तानी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, और लास्ट स्वर्ण पदक आपका हॉकी में 1980 मास्को रूस में इन्होंने प्राप्त किया था। उसके बाद हॉकी में कोई पदक प्राप्त नहीं हुआ था, एंड आप कहें तो 1980 के बाद 41 साल बाद 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, जर्मनी को 5-3 से हराकर। ठीक है, अब गोल्ड जो है आपका बेल्जियम जीता है हॉकी में, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम के बीच हुआ था, जिसमें बेल्जियम भी जीता रहा गोल्ड में। ठीक है, फाइनल में वर्तमान में पुरुष, दोस्तों ये भी जानना आवश्यक है कि वर्तमान में पुरुष हॉकी के कप्तान जो है वो मनप्रीत सिंह है, एंड महिला हॉकी कप्तान जो है आपके रानी रामपाल है। ठीक है, अब कोच में बात करें तो पुरुष हॉकी कोच है ग्राहम रीड, एंड महिला हॉकी कोच है सेजोड मॉरिजन। तो दोस्तों अन्य में बात करते हैं, अन्य खिलाड़ियों में भी हम थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अदिति अशोक, जैसा कि अदिति अशोक बहुत ही चर्चा में है, अदिति अशोक जो है वो प्रोफेशनल इंडियन गोल्फर हैं। ठीक है, प्रोफेशनल इंडियन गोल्फर हैं, एंड वुमेन इंडिविजुअल गोल्फ इवेंट में इन्होंने 4th स्थान पर आई। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, एंड 3 राउंड तक इन्होंने ये लीड में थी, बट 4th राउंड में थोड़ा सा प्रदर्शन इन्होंने इनका वीक होने के कारण 4th स्थान पर आई, यानी कि ब्रांच के बहुत करीब थी, बट थोड़ा सा चुक गई और ये 4th स्थान पर आ गई। ठीक है, तो दोस्तों ये दुनिया के बेस्ट गोल्फरों जैसे कि नीली कार्ड एंड और जो थे उन सब के साथ जबरदस्त इनका मुकाबला हुआ था, उन सबसे मुकाबला करते हुए इन्होंने 4th स्थान पर स्थान लाई, इसलिए इनको बेस्ट प्रदर्शन माना जाता है। तो अदिति अशोक का नाम आप गोल्फर के क्षेत्र में जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो दोस्तों 2020 टोक्यो ओलंपिक के बारे में
पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। मुझे आशा है कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बन सकता है। दोस्तों एक क्वेश्चन है आपसे कि बताइए कि ओलंपिक में अब तक कितने गोल्ड हासिल हुए हैं। तो दोस्तों ओलंपिक में अब तक 2020 टोक्यो ओलंपिक को लेकर कुल 10 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। जैसा कि हॉकी में आपको पता है कि हॉकी में 8 गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। एक निशानेबाजी में आपके अभिनव बिंद्रा 2008 में 9 हो गया एंड एक आपके 2020 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, यानी कि अभी तक ओलंपिक में भारत की तरफ से 10 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए, न कि फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो विशेष रूप से फिजिकल एजुकेशन के लिए ही बनाया गया है, बट ये वीडियो अन्य सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक से दो बार आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे, ये वीडियो आपको बहुत जल्दी ही याद हो जाएगा, क्योंकि आपने फिलहाल टोक्यो ओलंपिक के बारे में जाना है, देखा है, हाल ही में हुआ है, इसलिए आपको ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।